हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रात के बज रहे हैं 11:10 और यहाँ पे मैं अपनी नाइट ड्रिंक जो है तैयार कर रही हूँ, जीरा वाटर। बस इसको बहुत अच्छे से खौला लिया है, इसको छान लूँगी और साइड रख दूँगी और अपने रात के जो काम है वो करूँगी। 3-4 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि 3 से 4 दिन मैं गाउन में ही रही। काम तो देखो मुझे ही करने पड़ते हैं, चाहे कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो, बट फिर मैं शूट नहीं करती हूँ उन 3-4 दिनों में। तो बस यहाँ पे चावल बने थे शाम को और काठी दाल थी, तो बस वो थोड़े से बच गए थे तो वो फ्रिज में रख दिए। और यहाँ पे छोले जो है मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और ये दाल मखनी वाली जो दाल जो नई भरी थी ना, तो थोड़ी सी बची थी पुरानी, तो उसको भी मैंने भिगो दी थी। और ये करेला भी मैंने बना कर रख दिया था हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। बेटी की तो अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं, इसलिए तो बस इनको पैक करके और फ्रीज़र में रख दूँगी, छोले और दाल मखनी तो, और ये करेले फ्रिज में रख दूँगी। तो कल सुबह मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, कल का भी क्या पता पेट दर्द रहे ना रहे, तो ऐसे करके। फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो भिगोने का काम था तो वो भिगोए, तो बादाम अखरोट और काजू की जो टुकड़ी है वो मैं भिगो दूंगी। तो ये क्या है, शेक वगैरह में भी डाल देती हूँ इनको, नहीं तो दे देती हूँ बादाम और छील कर, नहीं तो इलू का बनाना शेक डेली का ही मैंने नियम बना दिया है। और उसमें भी ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, उसको ड्राई फ्रूट्स ऐसे भी देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, और मैं भी देखो डाइट पे रहती हूँ तो वीगन स्मूदी जो है वो मैं बनाती हूँ, तो उसके लिए भी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए चाहिए होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स जो हैं भिगो के ही खाने चाहिए, तो ये रात को मैं भिगो के रख देती हूँ। तो ये काम तो हो गया था मेरा किचन वाला। दही मैंने जमा के रख ही दिया था, जमा हुआ था 2-3 दिन पहले से, अभी तक यूज़ ही नहीं आया है, तो बस अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ ताकि इजीली नींद आ जाए, और फेस वॉश से वॉश करके, और अपना थोड़ा बहुत जो स्किन केयर ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक थी नहीं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत फेस वॉश किया, अपना ब्रश किया, और उसके बाद बस मैं सो जाऊँगी। और कल सुबह 5 बजे से हो सका तबीयत ठीक रही तो मैं शूट करूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो बस यहाँ पे एज अ टोनर गुलाब जल लगा के फिर एलोवेरा जेल मैं लगा लेती हूँ, बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये वाला एलोवेरा जेल, हिमालय का है, और गुलाब वाला जो है वो कई बार मैं बता चुकी हूँ, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो खुशबू है सच में बहुत ही अच्छी है, और बहुत अच्छा फील होता है इसको लगा के, लिप बाम लगा के। और बस हस्बैंड अपनी रील वगैरह बना रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैंने कहा थोड़ी सी ठीक हुई हो तो व्लॉग शुरू कर दूंगी ना तो ठीक रहेगा, वरना जब तक मैं शुरू नहीं करती तो फिर मन ही नहीं होता, क्योंकि तबीयत तो 3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, पेट दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पर मैं फिर वीडियो शूट नहीं करती हूँ। और उसके बदले में क्या करती हूँ कि मैं उसके लिए पहले से ही वीडियो शूट करके रखती हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचती रहे। लेकिन आज के दिन पर मेरा गैप हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एडिट नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ पे सुबह 5 बजे उठ के मैं नहाई थी, और ये तैयारी इसलिए भी करेला वगैरह बना के रख दिया था मैंने क्योंकि मुझे बालों को वॉश करना था, तो सुबह 5 बजे उठ के बालों को वॉश किया, वरना तो मैं ऐसे नहाती हूँ और बाद में बाल धोती हूँ ना नॉर्मली, तो आज लेकिन बाल वॉश करना ज़रूरी था, तो बालों को मैंने वॉश किया इसलिए भी मैंने करेले बना के रख दिए थे। और बस अपना गर्म पानी जो है चढ़ा रही हूँ अजवाइन वाला, तो ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हो जाएगी, तो अजवाइन का पानी जो है मैं ले लेती हूँ। फिर चाय चढ़ा दूँगी, चाय बिल्कुल कम मैं लेती हूँ, और लेती हूँ तो गुड़ वाली लेती हूँ, और आधा कप या उससे भी कम लेने लगी हूँ, तो आज मैं सिर्फ 2 घूंट चाय ही लूँगी क्योंकि हस्बैंड के साथ एक सुबह की चाय ही होती है जो कि मैं पीती हूँ, फिर हम पूरे दिन चाय वाय नहीं लेते, तो फिर साथ बैठ के चाय पीने का यही मौका होता है, इसलिए मैं चाय डाइटिंग पे नहीं छोड़ती हूँ। पानी जो है उबल गया था तो वो मैंने ज़्यादा खौला लिया था और वो एक बार साइड कर दिया। यहाँ पे चाय पत्ती डाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड भी आजकल गुड़ वाली चाय ही जो है पीने लगे, तो चीनी हम नहीं डालते हैं। और यहाँ पे आटा छान के बस रोटियाँ जो है मुझे करनी थी, पराठे करूँगी क्योंकि रात की जो दाल बची हुई थी ना मूंग, उसके 2 पराठे के करीब बन जाएंगे और वो यूज़ भी आ जाएगा, और साथ ही 2 नॉर्मल नमक मिर्च के पराठे बन जाएंगे, दही रखा है और करेले जो है बने हुए हैं, तो बस ये टिफ़िन जो है उनका हो जाएगा, तो थोड़ा सा इत्मीनान से हो जाएगा। और आज के दिन पर मेरा टारगेट था 3 व्लॉग शूट करने का, प्लस
शनिवार को डीप क्लीनिंग वाला डे होता है मेरा, तो वो सब कुछ करूँगी। और कुछ अलमारियाँ एक दो जो सेट नहीं है उन्हें भी मुझे सेट करना है, तो सारा ये काम मुझे फटाफट फटाफट करना है, लगातार करूँगी और बिना रुके। बीच में बस दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और शाम को वापस व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। और आज के दिन पे व्लॉग मैं जब डाल रही थी तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। एक व्लॉग बना हुआ था तो वो डालने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, 80% तक अपलोड हो गया बट फिर वहाँ पे अटक गया, फिर डाला तो वो नहीं डाला, तो एक दिन नहीं दो दिन की यूट्यूब की छुट्टी हो गई है। तो मैं ना चाहूँ ना तब भी कई बार छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी करने से बहुत असर पड़ता है आपके चैनल को। लेकिन फिर भी ना वो कोई ऊपर से ही कोई प्रॉब्लम आती है तब होती है, वरना मैं अपना पूरी मेहनत जो है वो करती हूँ। तो यहाँ पे मूंग का पराठा मैंने दो बना दिए थे, और मैंने सोचा था कॉर्नफ्लेक्स या म्यूसली जो है इनको दे दूँगी, बट इन्होंने बोला कि पराठा खाऊँगा आज मैं, तो एक दो दिन से तो कॉर्नफ्लेक्स खा रहे थे, तो आज इन्होंने पराठा बोला तो पराठा ही मैंने फिर एक्स्ट्रा इनके लिए बना दिया था। और आटा लगा हुआ है चूचू और ईलू के लिए, तो जब वो खाएंगी तब मैं उन लोगों के लिए बना दूंगी। तो इलू की छुट्टी है तो वो सो रही है, चाय मैंने छान ली थी और अब मैं टिफ़िन लगा देती हूँ। करेले मैंने पहले ही कल रात ही इसलिए बना दिए थे कि मुझे आज क्योंकि बाल वॉश करने थे तो ताकि थोड़ा सा लेट लगती है नहाने में बालों को जब आप वॉश करते हो, तो इसलिए पहले ही मैंने बना दिए थे ताकि इनकी सब्ज़ी और इनके टिफ़िन की तो टेंशन ना रहे। दही मैंने डाल दिया था और बस यहाँ पर आ गई हूँ चाय पीने के लिए। आज मौसम कुछ इस तरीके का था, हवाएं काफ़ी चल रही थी और आजकल आंधी वांधी भी आई जाती है, पिछले दिन भी आंधी आ गई थी, तो बस यहाँ पे इस तरीके का मौसम हो रहा है। हस्बैंड जो है चले गए थे, उसके थोड़ी देर बाद जो है मैं अपनी सफाई वगैरह स्टार्ट करूँगी। सफाई जो घर की डीप क्लीनिंग होनी है तो वो लेट स्टार्ट होगी। आज मैं अलमारी वगैरह ना सेट करूँगी, और किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है दो तीन दिन पहले ही, तो बस उसको क्लीन कर दूँगी। तो ये जा रहे थे, यहाँ पर जो है दीदी ने मतलब ताऊ जी है ना, तो उनकी पुण्यतिथि थी पिछले दिन, तो मैं तो नहीं जा पाई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने इनको भी बोला था दोपहर या शाम को जाया हो इलू को लेके, बट इनको भी नहीं निकल पाया ऑफिस से टाइम, और रात को ये ज़्यादा लेट हो गए थे। तो फिर दीदी ने ये देखो इलू के लिए कपकेक भेजे थे और कुकीज़ भेजी थी। हमेशा ही दीदी और जो भैया हैं ताऊ जी के जो लड़के और लड़के ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इलू के लिए और बच्चों के लिए जितने भी घर के बच्चे हैं ना वो लेके आते हैं। इवन इलू का साइज़ भी दीदी को पता है, दीदी ने पिछले साल में भी एक टॉप भेजा था तो वो भी परफेक्ट आया था, और इलू को भी ये बहुत पसंद आया। आज का इलू का नाश्ता भी हो जाएगा, ये खाएगी इलू। और बस तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ, तो ये घर की हालत हो रही है क्योंकि देखो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कर रही लगातार थी तबीयत ख़राब में भी, इस बार तो इन दोनों ने मेरी ज़रा ही हेल्प नहीं की है, सही बता रही हूँ मैं। तो ये देखो ये हाल हो रहे थे, फिर भी मैंने कोशिश बहुत की कि घर साफ़ सुथरा रहे, लेकिन जितना हो पाता है ऐसे टाइम पे मैं उतना ही कर पाती हूँ, नहीं तो मुझसे नहीं हो पाता है। पेट दर्द मुझे बहुत ज़्यादा रहता है, तो आज भी मैंने सुबह गोली ही ली है तब जाके मैं कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बालों को थोड़ा सुलझा लिया क्योंकि धोए थे ना, तो इसलिए मंदिर में नहीं जाती हूँ मैं, पाँचवें छठे दिन से ऐसे जाती हूँ मंदिर में, तो इसलिए पूजा वूजा तो अभी मैं नहीं करूँगी, नेक्स्ट डे से करूँगी। तो यहाँ पे मुझे सेट करनी थी ये वाली अलमारी, तो सारे कपड़े जो है वो मैं निकाल दूँगी और उसके बाद सारी सेट करूँगी। इसमें मेरे और इलू के रहते हैं, इलू के आधे कपड़े आधे ऊपर इलू के रूम में जो है ना उसमें हैं, तो इतने सारे कपड़े हैं ना कि पूछो मत। लगता ऐसा है कि और कपड़े कम है, लेकिन जब आप निकालो और समेटो और सेट करने बैठो ना तब पता चलता है इतने कपड़े हैं कि कुछ तो यूज़ ही नहीं आते। मैं इतना सोचती हूँ कि नए नए कपड़े पहनूँ और अलग अलग पहनूँ, बट उतना यूज़ मैं ले ही नहीं पाती हूँ। तो ये करने में भी देखो टाइम लगता है, तो सुबह जैसे ही हस्बैंड गए ना तो बस मैं इसमें लग गई थी। तो ये देखो सारा मैंने इलू जग गई थी, इलू को भी जगा दिया था क्योंकि उसको भी पढ़ना करना होता है, उसके भी एग्ज़ाम आ रहे, तो बस जैसे ही इलू उठी तो बेड पे मैं ये सारे फैला के बैठ गई और सारे इलू के पहले मैंने समेटे, पहले एक जो है वो साफ़ किया, फिर दूसरा वाला शेल्फ़ को साफ़ किया, फिर तीसरी वाली मेरी को साफ़ किया। इस तरीके से मैं जो है एक 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 करके सारी अलमारी को मैंने सेट किया।
तो ये देखिए हल्की फुल्की मैंने सेट कर दी है। तो अब इलू निकालती करती है तो वो सारी बिगड़ जाती है, या कहीं आना जाना होता है या कोई रील बनाने के लिए निकाल लिया तो हो जाता है। फिर मैं आ गई किचन में, इलू के लिए भी नाश्ता भी तैयार करूँगी, किचन को भी पूरा क्लीन करूँगी। तो उसने उसको अभी कुछ खाने का दिल तो नहीं था, क्योंकि कपकेक रखे थे तो उसका दिल हो रहा था कि जब भी खाने का दिल हुआ तो तब वो खा लूँगी। अभी मैं उसके लिए बनाना और ड्राई फ्रूट्स का शेक बना देती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए जो है स्मूदी जो है वो बना के रख लूँगी, वीगन स्मूदी, जो ओट्स, बनाना एंड ड्राई फ्रूट्स और डेट्स मिला के, और मैं बनाती हूँ वीगन कॉफ़ी भी मैं बनाती हूँ, तो वो भी अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो इलू के लिए तो नॉर्मल बनाना शेक बना दिया, मैंने जो है मिक्सी में डाला है बनाना, उसके बाद एक चम्मच ओट्स डालूंगी और जो भी ड्राई फ्रूट्स भिगो रखे थे थोड़े थोड़े वो डालूंगी, फिर मैं डेट्स डाल देती हूँ और पानी, जैसे वीगन मिल्क हो तो वो भी डाल सकते हो, ओट्स का मिल्क भी आप घर पे बना सकते हो, बादाम का मिल्क भी बना सकते हो, कोकोनट मिल्क भी बना सकते हो, बट मैं उसकी जगह पे क्या करती हूँ, डायरेक्ट ही ओट्स और बादाम और डाल देती हूँ, फिर पानी डालेंगे तो वैसे ही वो मिल्क टाइप हो जाना, तो बहुत अच्छी स्मूदी जो है बन जाती है, बहुत फीलिंग होती है, इसको पी लो ना तो आपको कितनी ही देर भूख नहीं लगेगी। तो अब मैं कर ले रही हूँ सबसे पहले किचन की क्लीनिंग। शाम को ही मैंने कुछ कपड़े जो है मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि आज सोफ़ा बैग, बेडशीट और सारे निकलेंगे तो वो कपड़े जो है मशीन में धुलेंगे, तो शाम को ही मैंने मशीन लगा दी थी और जो कपड़े हैं वो धुले हुए मशीन में रखे हैं, तो वो बस मैं सुखाऊंगी, जो कि नेक्स्ट रूटीन में आपको देखने मिलेगा। आज के दिन के 3 व्लॉग मैंने शूट किए थे, तो यहाँ पे पूरे किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, अच्छे से थोड़ी सी कर दूंगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो है मैं कर चुकी हूँ, सारे डब्बे में क्लीन कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें किचन की मैं कर चुकी हूँ, सारी टाइल्स वगैरह पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। आटा मेरा लगा हुआ है और इलू ने बोला कि मैं ब्रेड का कुछ मसाला, ब्रेड रील देखी है उसने इंस्टाग्राम पे, वो कुछ बनाऊंगी, तो मेरे लिए ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मत बनाना। तो बस यहाँ पे मैंने किचन की क्लीनिंग भी जो है वो करके, और फिर जो है मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। उससे पहले जो कुछ कपड़े हैं मुझे ज़रूरतमंदों को देने, बिल्कुल नए नए एक बार पहने हुए इनके पैंट हैं, जो कि इन्होंने मेरे मना करने पर भी लिए, तो वो फिर इनको छोटे ही थे, बिल्कुल आजकल फिट वाले आते हैं ना, मैंने इनको मना किया था फिर भी इन्होंने ले लिए थे। तो वो सारे ना, कुछ चीज़ें मेरे पास, कुछ ग्लासेस रखे हैं, कुछ वाटर बोतल हैं जो मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं लिए, तो वो सब कुछ ना मैं, कई लोग मुझसे मांगते हैं जब भी मैं जाती हूँ ना कच्ची बस्ती औरों में, तो कोई कुछ मांगता है, कोई कपड़े मांगता है, कोई चप्पल मांगता है दे जाना, तो वो सब इकट्ठे करके रख दूंगी, ताकि इस बार मेरा जाना हो तो मैं उन लोगों को गाड़ी के पीछे रख दूं डिक्की में, ताकि इस बार जाना हो तो मैं उन लोगों को दे दूँ। बर्तन थे नहीं तो रात ही मैं सब कुछ करके सोई थी, तो बस ये बर्तन जो है लगा दूँगी। इलू को मैंने बोला कि तू वाटर बॉटल्स जो है ना, ये फ्रिज वाली, वो भर दे, तो थोड़ा बहुत तो सारा लगे मुझे, वरना सारा ही काम करना पड़ता है। ये थोड़ी क्या है कि इसका ट्यूशन का काम भी रहता है, स्कूल का काम भी रहता है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो ये बिज़ी रहते, तो इससे ज़्यादा मैं हेल्प ले नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं बर्फ़ जमाई थी, बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो ये देखो छोटे छोटे काम घर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब एक बैठोगे ना ज़रा सा फिर आपको याद आ जाएगा, अरे ये काम रह गया, तो फिर आप सफाई करोगे, फिर थोड़ी देर में घर गंदा हो जाएगा, तो बहुत काम रहता है घर पे भी, और उसके साथ शूट करना तो बहुत आसान नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, और अब जो है मैं दूसरे रूम में चली गई हूँ, ये बक्सों में मैंने डाल रखा था, तो ये वाटर बॉटल वगैरह दूसरे वाले कट्टे में डाल रही हूँ, और फिर इनके जितने भी कपड़े हैं वो मैं इस वाले में डाल दूँगी, ताकि मैं देख के आ सकूँ। तो उन लोगों को भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो मांगते हैं, तो फिर मैं दे आती हूँ। कांच की ग्लासें भी हैं, कप भी हैं पुराने जो निकाले हुए हैं, तो करके इनके देखो खूब सारी टी शर्ट हैं, खूब शर्ट हैं। कुछ तो जो मज़दूर लोग होते हैं ना वो भी मांगते हैं, क्योंकि उनको काम के लिए पुराने कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि वो कलर वलर और करते हैं ना, तो वो मांगते हैं कि हमें दे दो, हमारे उस काम के टाइम पर हमारे काम आएंगे। तो पैंटें हैं, पैंट तो बिल्कुल नई नहीं है, तो मैंने कहा किसी ज़रूरतमंद को दो, ताकि मतलब वो यूज़ ले सके। फिर मैंने इनकी वाली अलमारी को सेट किया, तो सुबह 5 बजे से आज मैं लगी हूँ, रात 11 बजे से शूटिंग जो है स्टार्ट की थी, सुबह 5 बजे से लगी हूँ, और अब तक मैंने ये काम किया। व्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको 3 टुकड़ों में बांटूंगी, फिर दिखाऊंगी पूरे दिन भर में कितना ढेर सारा काम होता है।